हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास पैलेट। तो आप देख ही सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑटो में बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी में, जो हांगकांग मार्केट है उसको अच्छी तरीके से देखने के लिए। मैंने सुना है यहाँ पे चीज़ बहुत ही सस्ती मिलती है, बहुत ही चीप रेट में मिलती है। और अगर धर्मतला मार्केट के बाद कोई बढ़िया सा मार्केट हो जहाँ पर आप ऐसे शॉपिंग कर सकते हो चीप रेट में और बढ़िया सा प्रोडक्ट, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे ही। तो चलिए, अभी हम लोग घुस रहे हैं मार्केट के अंदर में। हम लोग दार्जिलिंग गए थे, ऑन द वे हम लोग हांगकांग मार्केट भी घूम के आए। और ये है हांगकांग मार्केट का जो गली है घुसने के लिए, वो गली से हम लोग यहाँ पे घुस चुके हैं। एज़ आप देख ही सकते हो, घुसते ही डिफरेंट डिफरेंट शॉप यहाँ पर है जो कि साइड बाई साइड लगी हुई है। कपड़े से ले कर उलन चीज़ों को लेके एवरीथिंग यहाँ पे है। तो ये तो अभी हम लोग एंट्रेंस में है, घुसते ही आपको और भी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, बढ़िया बढ़िया बैग्स है, ड्रेसेस है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और मैंने इन लोगों का प्राइस पूछा तो ये बहुत ही रिजनेबल में था। हाँ, हालांकि आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ेगा। जो चीज़ आपको 500 रुपये बोलेंगे, वो आप 150 या 200 से स्टार्ट कीजिए, तब आपको अच्छे रेट में मिल जाएगी। बहुत ही वैरायटीज़ चीज़ जो है वो एंट्रेंस में ही हमको दिखने के लिए मिल गया। और इतना बढ़िया सा चीज़ हम जनरली आसानसोल में तो नहीं मिल सकता है। आप कोलकाता में या तो मिलेगा धर्मतला मार्केट में, या तो फिर यहीं पे मिलेगा। बहुत ही चीप रेट है ये। नॉर्मल जो ट्रेंच कोट वगैरह है, ये सारे का प्राइस 400 से 500 रुपये का था। जी हाँ दोस्तों, ओनली 400 से 500 रुपये का। जहाँ पे बाहर में जाएंगे तो इजीली आपको, एक्चुअली अगर फुटपाथ में ख़रीदने जाएंगे तो इजीली आपको ये बढ़िया से 1000, 1200, 1500 में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 400 से 500 रुपये का था। डिफरेंट टाइप की कुर्तीज़ थी, हेयर एक्सेसरीज़ तो इतनी ज़्यादा थी कि आपको मैं बोल के नहीं बता सकती। आप देख ही सकते हो, दुकान में वैरायटीज़ ऑफ चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। और अभी तक हम लोग हांगकांग मार्केट के अंदर घुसे नहीं थे, वो फिर भी हमको इतना वैरायटी देखने के लिए मिल गया था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। जो कुर्तीज़ वगैरह था वो भी सेल में था, 250 से 300 के बीच में। तो मैं ये मार्केट हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आप आना चाहते हैं। और अगर आप सिलीगुड़ी के आसपास हो तो आप कभी ना कभी एक बार तो ज़रूर ये मार्केट को देख के जाइए। बहुत ही बढ़िया रेट में आपको बहुत कुछ डिफरेंट मिल जाएगा। आप देख ही सकते हो, अभी ये छोटा छोटा वुडन जो फ्रेम का था वो देखने के लिए मिला। और यहाँ पे आपको दूसरा चीज़ जो है, जो शॉप में जनरली बहुत ज़्यादा दाम में हम लोगों को ख़रीदना पड़ता है, वही चीज़ सिमिलर उसकी फ़र्स्ट कॉपी यहाँ पे आपको बहुत ही चीप रेट में, अगर आप बार्गेनिंग करना जानते हो तो बहुत ही चीप रेट में आपको मिल सकता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं हांगकांग मार्केट की गेट के सामने हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख ही सकते हो, इस जी हाँ, इसी गेट के थ्रू हम लोग हांगकांग मार्केट के अंदर घुस सकते हैं। और यहाँ से ही स्टार्ट होती है, एक मॉल की तरह है काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो। उस मॉल के अंदर आपको सारे कुछ मिल जाएगा, लाइक एवरीथिंग वहाँ पे एक छत के नीचे है, जो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। आप देख ही सकते हो, अभी हम लोग जस्ट घुस ही रहे हैं हांगकांग मार्केट के अंदर। तो घुसते ही ये मार्केट, मैं हालांकि एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही कंजेस्टेड है। अगर आप नहीं पसंद करते हो कंजेस्टेड एरिया तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन आप अगर कोरोना ठीक हो जाए तो आप अगर ज़रूर कोशिश कीजिए यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे सुंदर सुंदर बूट्स से लेके एवरीथिंग आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया और चीप रेट में आपको मिल जाएगी। ये सब टोपी हम लोगों को, जो जहाँ पे हम लोग 150 रुपया का खरीदते हैं, यहाँ पे सिर्फ 90 रुपीज़ से 100 रुपीज़ में ईजिली मिल सकते हैं। फैशनेबल कैप्स, जो फैशनेबल ज्वेलरी है, एवरीथिंग यहाँ पे मैंने देखने के लिए मिला, और बहुत ही चीप रेट में। यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये हेयर एक्सेसरीज़ था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स था, और बूट्स था, बच्चे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के खिलौने थे, सारा कुछ यहाँ पे था। और इधर आगे बढ़ते ही आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बहुत सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। इवन जो
बाहर से ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, जो बाहर से इंपोर्ट करके लाया जाता है, वो इसी मार्केट। आप यहाँ पे जस्ट हेयर एसेसरीज का सामान देख लीजिए, आपको मतलब जी नहीं भरेगा, इतना लगेगा कि इसको छोड़ के कौन सा खरीदूँ। बैग्स तो बैग्स का तो बताते ही नहीं है, बैग्स इतना बढ़िया क्वालिटी के थे, जो कि मैं सच बता रही हूँ, इतना चीप प्राइस में इतना बढ़िया क्वालिटी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप लेके घूमते हो हाथ में तो कोई आपको ये बता नहीं पाएगा कि ये कितने ज़्यादा रुपए के हैं या कितने कम रुपए के हैं, कोई प्राइस नहीं बता पाएगा। और यहाँ पे देखिए, उलन से लेके जैकेट से लेके रिंग लाइट व्हाट नॉट, आप जस्ट नाम लीजिए, यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी। ये देखिए सनग्लासेस देख लीजिए, कितना बढ़िया बढ़िया और कलरफुल। आप अगर चाहते हो कि ड्रेसेस के साथ मैचअप करके सनग्लास वगैरह, ब्लूटूथ बैग्स, जूते, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। बस आपको सिर्फ एक ही चीज़ आना चाहिए, जो है बार्गेनिंग करने की क्षमता। यहाँ पे प्राइस बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के ये लोग रखते हैं। इवन मेकअप ही, अब मेकअप का स्टोर भी आप देख सकते हो, लाइक 50-50 रुपीज़ में आपको इजीली मैट जो लिपस्टिक है वो सारे मिल जाएंगे। उससे भी कम कॉस्ट में अगर आप बार्गेन कर सकते हो तो उससे भी कम कॉस्ट में यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने मतलब की रेंज ये सब सारे बहुत ही क्यूट बहुत ही सुंदर सुंदर थे, जो कि हालांकि हमारे आसपास में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो अगर आप कभी भी दार्जिलिंग जाते हो, या तो फिर गैंगटॉक जाते हो, या तो फिर सिलीगुड़ी किसी काम से आए हो, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि एक बार तो आप हांगकॉन्ग मार्केट आके देख ही लीजिए। और ये कहाँ पे है, जस्ट सिलीगुड़ी बस स्टैंड में आप उतरिए। उतरने के बाद आप कोई भी ऑटो वाला को या फिर कोई भी टोटो वाला को बोलिए कि हमको हांगकॉन्ग मार्केट जाना है, वो आपको जस्ट 10 मिनट्स की डिस्टेंस में है ये, वो आपको इजीली हांगकॉन्ग मार्केट की गेट के ऊपर ड्रॉप कर देंगे, और वहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है आपको। मतलब आप देख देखते थक जाएंगे, लेकिन मतलब चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, इतना बढ़िया मार्केट है ये। मैंने सिर्फ क्योंकि हम लोग दार्जिलिंग से लौटने के टाइम में हम लोग घुसे थे, तो मेरे पास बहुत तो वक्त नहीं था, क्योंकि बस का टाइमिंग भी था, तो इन बिटवीन हम लोग एक घंटा या तो फिर 1.5 घंटा की टाइम लेके ही हम लोग घूम पाए। लेकिन अगर आप पर्पसली कभी आते हो, इस लेवड़ी में रुकते हो, तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी कि आप चाहे एक बार तो आइए और देख के जाइए ये मार्केट। ये सिर्फ मैंने 2-3 गली ही घुस पाई हूँ, पूरा मार्केट तो मैं नहीं घुस पाई, क्योंकि बहुत सारा सामान था हम लोग के बीच में, बैग्स था वगैरह वगैरह, तो वो हम लोग का इतना ज़्यादा बहुत मुश्किल हो रहा था घुसने में, क्योंकि भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा था, कोविड का भी सिचुएशन था, तो हम लोग उतना घुस नहीं पाए। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँगी, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप आ सकते हो, आप ज़रूर से आइए और एक बार ये मार्केट को विज़िट करके जाइए। थैंक यू मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए।